अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टिकटॉक पे ये वाला ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, और इसकी मैंने आप लोगों को वीडियो का ट्यूटोरियल भी बना दिया था कि आप लोग इसकी वीडियो कैसे बना सकते हैं। लेकिन वहाँ पे इशू ये था कि इंस्टाग्राम पे जो हम फिल्टर यूज़ करते हैं, वहाँ पर एक तो कलर्स एडजस्ट नहीं होते, वो ठीक कलर्स नहीं आते थे, और दूसरा ये कि आप लोग अपनी कोई भी एक्सटर्नल वीडियो को सिलेक्ट नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ आप लोग अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों का सोल्यूशन ये है कि हम लोग अपनी ही वीडियो को एडिट करेंगे किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर में। तो हम ये वीडियो आप बनाने जा रहे हैं कैपकट एप्लीकेशन में। तो इसके साथ साथ आप लोग कोई भी अपना बैकग्राउंड वगैरह यूज कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं हम अपनी वीडियो में। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ये बैकग्राउंड रेजर सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है, और अब आप लोगों ने क्या करना है, जहाँ से भी आप लोगों ने अपनी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करना है, वहां से अब आप लोगों ने अपनी वीडियो में से स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ लोड आ फोटो पे क्लिक करना है, और अपनी आप लोगों ने वो फोटो को यहाँ पे लोड कर लेना है। और अभी आप लोग यहाँ ऊपर डन लिखा रहा है तो इसको डन करें। और अभी हम लोगों ने क्या करना है कि अपने जो स्काई है इसका हम लोगों ने बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑटो पे आता हूँ, और यहाँ से अब सिंपली आप लोगों ने यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है स्काई का। तो हम लोग इसको सिंपली यहाँ से इस तरह कलर सेलेक्ट करते जाएंगे, और हमारा जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली रिमूव होता जाएगा। तो ये सिंपली आप लोगों ने जैसे पबजी में हेडशॉट लगाते हैं वैसे ही आप लोगों ने ये कलर सेलेक्ट करना है, और आप लोगों का जो कलर है वो ऑटोमेटिकली रिमूव होते जाएंगे। और अभी देखें अगर यहाँ पे ये थोड़ा सा कलर रह गया तो इसको हम आप लोगों ने कैसे रिमूव करना है, तो मैनुअल में आएंगे, और मैनुअल में आने के बाद हम लोग इसको यहाँ से ये देखें सिंपली इस तरह से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कलर हमने अपना जो स्काई है वो रिमूव कर लिया है। तो आप लोगों ने जूम करके देख लेना, आप लोगों के बिल्कुल ठीक से रिमूव हो जाए। तो अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, अपनी डिवाइस में सेव करेंगे। तो आप लोग इसकी स्मूथनेस थोड़ी ज्यादा कर सकते हैं, और अभी आप लोग इसको सिंपली अपनी गैलरी में इसको सेव कर लें। और कैपकट में आने के बाद आप लोग यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करें, और अब आप लोगों ने यहाँ से अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। और वीडियो सिलेक्ट करने के बाद अब आप लोगों ने वहाँ उस पोर्शन में जाना है जहाँ से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया था। तो वहाँ पे आने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है कि ओवरले में जाना है, एड ओवरले, और यहाँ से अब आप लोगों ने अपनी वो वाली इमेज को सिलेक्ट कर लेना है जिसका आप लोगों ने बैकग्राउंड रिमूव किया होगा। तो मैंने ये यहाँ पे देखें ये सिलेक्ट कर लिया है। और अभी आप लोग यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से ही आप लोग ये एरो पे क्लिक करके बैक जाएँ, एड ओवरले पे जाएँ, और अब आप लोगों ने अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करना है। तो मैंने देखें ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है, और अगेन अब आप लोग अपनी पिक्चर पे क्लिक करें, और अब आप लोगों ने क्या करना है लेयर में जाएं और इसको नंबर 2 पे कर दें। तो हमारी ये वाली जो इमेज है ये ऊपर आ चुकी है, और अब आप लोगों ने अगेन इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है, और अब आप लोगों ने क्या करना है कि फिल्टर्स में जाना है, और फिल्टर्स में जाने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट पे जाएं, और यहाँ से अब आप लोगों ने इसको जैज करना है, और इसकी जो ये बार है इसको आप लोगों ने 100% कर देना है। और अब आप लोगों ने क्या करना है कि एडजस्ट में जाना है, और यहाँ से अब आप लोगों ने ब्राइटनेस में जाना है, और इसको आप लोगों ने ब्राइटनेस फुल लो कर देनी है। कंट्रास्ट में जाएं और इसको आप लोगों ने फुल 50 कर देना है। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारी जो पिक्चर है वो टोटली ब्लैक हो चुकी है, और इसके साथ साथ हमारा बैकग्राउंड भी आ चुका है। तो आप लोग इस पिक्चर की जगह पर आप लोग कोई भी वीडियो भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि ऐसे आप लोग यूज़ करेंगे। तो इसी तरह अब आप लोगों ने क्या करना है कि जहाँ से आप लोगों ने सेकंड स्क्रीनशॉट लिया था वहाँ पर जाएँ, एड ओवरले में जाएँ, तो सिंपली यहाँ से आप लोगों ने अपनी जो सेकंड स्क्रीनशॉट है वो वाला सिलेक्ट कर लेना है जिसका आप लोगों ने बैकग्राउंड रिमूव किया था। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, और अगेन हम लोग एड ओवरले में जाएंगे, अपना जो बैकग्राउंड है वो सिलेक्ट करेंगे, इसको फुल स्क्रीन करते हैं, और अगेन हम वही स्टेप रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारी ये जो वीडियो है वो बन चुकी है। तो ये हमने बहुत ही आसानी के साथ बना ली है। तो अब आप लोगों ने साउंड कैसे यूज़ करना है, तो आप लोग टिकटॉक से भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने यहाँ पर ही साउंड ऐड करना है तो आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं कि ऑडियो में जाएँ, और अब आप लोगों ने क्या करना है कि एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ से अब आप लोगों ने अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिसका भी आप लोगों को साउंड चाहिए। तो इस तरह आप लोग इसको साउंड इम्पोर्ट कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को टिकटॉक के रिलेटेड मजीद ट्यूटोरियल्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।